ऑर्डर्स प्रेस क्लब राजौरी के अंदर रखी गई है। ये इलीगल माइनिंग जो जिला राजौरी के अंदर दिन दहाड़े चल रही है उस इशू को लेकर है। राजौरी से अगर नीचे निकल जाओ जम्मू की तरफ नेशनल हाईवे पे दिन रात इलीगल माइनिंग का जो काम है वो जोरों शोरों पर चल रहा है। जिला प्रशासन राजौरी का हमारे पिछले 20 दिन से लगातार इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया के अंदर आवाज़ उठाई जा रही है कि इलीगल माइनिंग फौरी तौर पर जिला राजौरी के अंदर जो ऑलरेडी बैन है वो बंद होनी चाहिए। पर हमारे सोशल मीडिया पे लाइव आने के बाद डीसी राजौरी नज़ीर शेख साहब के ऑफिस से एक ऑर्डर निकलता है 3 तारीख को, जिसमें ये चीज़ लिखी जाती है कि इलीगल माइनिंग जिस भी क्षेत्र में हो रही है वो जल्दी से जल्दी बंद की जाए, और उसमें कंसर्निंग एसएचओ तहसीलदार एसीआर साहब के साथ साथ 5 अधिकारियों की टीम बनाई जाती है। पर आज 17 तारीख हो गई है, बड़े शर्म के साथ और बड़े दुख के साथ मुझे ये चीज़ आज यहाँ पे प्रेस क्लब राजौरी के अंदर आपके पत्रकारों के माध्यम से ये चीज़ उठानी पड़ रही है कि जिला प्रशासन राजौरी का लंबी और गहरी नींद में सोया हुआ है। उसका जो खनन माफिया इलीगल माइनिंग कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर, उन लोगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। प्रशासन का ऑर्डर निकलने के बाद भी रात को 3-3 बजे तक दरियाओं के अंदर मशीनें इलीगल तौर पर माइनिंग जो मशीनों द्वारा की जा रही है धड़ल्ले पर की जा रही है, पर जिला प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं डीसी राजौरी से आज पूछना चाहता हूं, डीसी साहब आपकी क्या मजबूरी है जो आप इस लोग ऐसे इलीगल माइनिंग करने वाले लोगों पर लगाम नहीं कस पा रहे हो? मेरी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर राजौरी से भी मुलाकात हुई थी और मैंने उनके सामने सारा विषय रखा था, पर मुझे डीएमओ साहब ने सिर्फ आश्वासन दिया हम कर रहे हैं हम करेंगे। पिछले जो पहले डीएमओ थे उन्होंने क्या किया वो कहते मुझे नहीं पता, पर मेरा कार्यकाल अच्छे से निकले राजौरी के अंदर इस चीज़ को लेकर उन्होंने बड़ा ही आश्वासन दिया। पर आज एक हफ्ता हो गया मुझे उनसे मिले हुए और मुझे दुख के साथ ये चीज़ कहनी पड़ रही है कि डीएमओ राजौरी डीसी राजौरी और माइनिंग के रिलेटेड जो भी अधिकारी राजौरी में इलीगल माइनिंग बंद कराने के लिए अपॉइंट हुए गए थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या मजबूरी है जो आप इन लोगों पर नकेल नहीं कस रहे हो? कब तक हम लोग यहां पे आके आपके ऑफिस के चक्कर काटते रहेंगे और आवाज़ उठाते रहोगे और आप हर बार हमें इग्नोर करते रहोगे? सरपंच साहब हमारे पास जो आज हमारे साथ ये भी आए हैं पंचायत वाजराला के, इनके एरिए में भी इलीगल माइनिंग जोरों शोरों पर चल रही थी, सरपंच साहब ने भी इसकी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई अधिकारियों के साथ मिलकर वहाँ पे फौरी तौर पर टीम भेज के माइनिंग के प्रति इन्होंने अच्छा स्टेप उठाया। पर नतीजा ये मिला कि जो लोग माइनिंग कर रहे हैं राजौरी के अंदर इनकी पंचायत के अंदर दखलंदाजी करने लगे और पंचायत के लोगों के साथ मिलकर इनको हरास करने लगे। मंशू जी क्या कहेंगे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो जितने भी निकाले जाते नोटिस वगैरह, क्या अंकित जी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के लिए सिर्फ या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं आज तक निकाले गए हैं ये सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। नोटिफिकेशन डीसी ऑफिस से तो निकल जाता है पर हैरत की बात है कि वो नीचे इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा ग्राउंड लेवल पर। डीसी साहब आप डिस्ट्रिक्ट राजौरी के तमाम जो भी आपके अंडर सारे ऑफिसर आपके अंडर आते हैं, आपका इतना ही काम नहीं है सिर्फ नोटिफिकेशन निकाल देना, वो इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है इस चीज़ की तहकीकात करना भी आपका फर्ज है। हिमांशु जी जिस तरह से उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई तो क्या मानते हो कि किस तरह से क्या ये मामला? राकेश जी ये चीज़ आप उन्हीं से पूछिए, मुझे तो लग रहा है या तो वो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं या कोई ना कोई परेशानी उनके आड़े बन रही है, और लिहाजा मेरा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतना कहना है। पिछले दिनों ये भी देखा गया था कि इलीगल जो अपने क्रेशर वालों की माइनिंग को लेकर जो ब्लॉक बनाए गए हैं पहले 24 से उनको बढ़ाकर 33 कर दिया गया, तो और वो जो ब्लॉक बने हैं वो ब्लॉक लैंडमार्किंग के बिना बने, डिमार्केशन के बिना बने। डीसी साहब ने ये तो बता दिया कि मुरादपुर पुलिस से नीचे वाला एरिया, पर कौन सा एरिया ये चीज मेंशन नहीं की गई। उस एरिया में लोगों की जमीनें आ रही हैं, पीएचई के डबवेल आ रहे हैं, शमशान घाट आ रहे हैं, कलर सूरता माता के मंदिर की हालत देख लो, इन लोगों द्वारा तहस नहस कर दिए गए हर चीजें। पर पीएचई के डबवेल सरानू पंचायत का जो डबवेल था वो पूरी तरीके से सूख चुका है, पंचायत के लोगों को कोई पानी नहीं है कोई कुछ नहीं है। दलोगड़ा एरिया का जो था उसके भी बहुत ही बुरी हालत कर दी गई है और तहस नहस कर दिया गया। लिहाजा मेरी आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी और डीसी साहब से अपील है कि अपनी नींद से जागिए और इन लोगों के अंदर इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन कीजिए, नहीं तो हम लोग लॉकडाउन तोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। धन्यवाद। ओके सरपंच पंचायत वालों से हूँ, पिछले दिनों में मेरे एरिया में लैंड माफिया जो अवैध खनन हो रहा है वहाँ मेरे डकबल के पास जाकर इन्होंने काफ़ी मात्रा में नीचे खनन किया। जब ऊपर पहुँचे और पब्लिक ने जब डिमांड उठाई तो हमने जब जाके रोका उनको
कि भाई ये आप खनन ना करें क्योंकि हमारे लोगों को यहाँ पानी की किल्लत आ जाएगी। ऐसे ही लोग और फैसिलिटी से बड़े मजबूर हैं। तो जब हमने उठाया मुद्दा तो पहला दिन कोई एक्शन नहीं, फिर दूसरे दिन एडमिनिस्ट्रेशन को जब हमने इन्वॉल्व किया, मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहूँगा कि यहाँ रजौरी जो माइनिंग ऑफिसर है उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने जो मुलाजम यहाँ से भेजा 9-10 बजे वो बोल रहे हैं यहाँ से मुलाजम चल गया और 1 बजे तक मुलाजम वहाँ नहीं पहुँचा, बड़ जलाना 14 किलोमीटर दूर है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये खनन माफिया और ये लोग सारे आपस में ऐसी मिली भगत है, लेकिन बाद में चलो ऑफिसर की मदद से वहाँ मैंने वो बंद करवाई। उसके बाद क्या हुआ कि 15-20 दिन बीतने के बाद मेरे लोगों को इन्वॉल्व करके कुछ गरीब लोगों को गुमराह करके उन्होंने क्या किया कि मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया। पहले कोई पंचायत के लेवल पर, फिर उसके बाद किया उन्होंने एक एप्लीकेशन बना के दी कि गुमराह लोगों ने जो उसके साइन थे कि पुलिस में डीसी ऑफिस के थ्रू वो थाने में पहुंच दी है। तो मेरे को बुलाया गया, जब मैंने वो साइन देखे मैंने वहाँ पब्लिक इकट्ठी की, पुलिस जाती है मौके पर इंक्वायरी करने के लिए और जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी है जिनके साइन है वो वहाँ आए ही नहीं और जो आए हैं या जिनके कुछ साइन थे वो इनकार कर गए कि हमारे साइन ये नहीं है। तो उसके बाद फिर शाम को फिर मीटिंगें होती हैं, फिर बैठकें होती हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं ना कहीं ये भू माफिया मिलकर साजिश कर रहे हैं, लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मौजवाना रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लैंड माफिया को, इन ऐसे दरिंदे लोगों को जो कि समाज के खिलाफ, जो कि हमारे गरीब लोगों को दबाकर अपने पैसे के लिए गरीब लोगों का खून पी रहे हैं, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके रोका जाए। और उसके बाद क्या है कि जे जो ऐसे झूठे एप्लीकेशन झूठे पर्चे अगर नहीं सबूत होते तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जाए। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, जय हिंद जय भारत। 105 लाया गया था जिसके तहत इन्होंने ये कहा था कि हम 1000 देश के अंदर पूरे माइनिंग लगा है जो लगा था 2 साल पहले मैंने एक बार ऑप्शन करवाए थे 24 लाख। अब 24 लाख जो ऑप्शन थे वो कोर्ट ने उनको अलग खत्म कर दिया, उनको रिजोर्व कर दिया। तो आज दोबारा जो 25 तारीख को दोबारा डिपार्टमेंट में ऑप्शन करवाने जा रहा है, हमारा ये है कि एक तो सीधी सी बात है जो स्टेक होल्डर से इनकी जो डिपार्टेशन पहले होनी चाहिए, तो सबसे नेगेटिव जो था वो था पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एलओसी जो अब जो इन्होंने इन लैंड के दूर की बात आज तक अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद था लोकल जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, जो दरिया के जो हमारे इरीगेशन के सोर्सेज सारे डिपेंड होते हैं, हमारा लाइफ लाइन है जो हमारे रिवर्स, उन सबको इग्नोर करते हुए उन्होंने एक बार दोबारा फिर इन्होंने 24 तारीख को रिएक्शन के लिए लगाए। हमारा सीधा सा कंसर्न ये है कि अक्सिंग से पहले सारी डिमार्केशन और ये जो स्टेक होल्डर्स थे, चाहे एजुकेशन है, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल है, रेवेन्यू है, इन सब की एनालिसिस पहले होनी चाहिए थी, जबकि ये कह रहे हैं कि हम बाद में करवाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक बड़ा झगड़ा फिर दोबारा यहाँ शुरू होगा और वो माइनिंग माफिया जहाँ हमारे कई IPS ऑफिसर और कई IAS ऑफिसर जिनकी कई बलि चढ़ी है, वही खनन माफिया अब रजौरी में आ रहा है और ये भी आने वाले दिनों में क्या हालात होने वाले हैं।